एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए व्हाइट चॉकलेट की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। नाम है चॉकलेट बाउंड्री, या फिर आप इसे चॉकलेट बार भी बोल सकते हैं। ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप इसे घर में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे कोकोनट, तो मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट ले लिया है, जिसे आप डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। ये ड्राई कोकोनट होता है और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, तो इसे ही चाहिए हमें। तो अब आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है और पूरी कोकोनट को इसके अंदर ऐड कर देना है। ये कोकोनट बिल्कुल ड्राई है, आप चाहो तो कच्चे कोकोनट को भी ड्राई कर सकते हैं। तो कोकोनट लेने के बाद आपको यह करना है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें काजू, बादाम, थोड़ी सी चेरीज़ या फिर और थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से कई सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। जो आपको अच्छे लगे आप उसे ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। काफ़ी अच्छा फ्लेवर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसमें डालेंगे कार्डिमम एसेंस, यानी कि इलायची का एसेंस। आप चाहो तो डायरेक्ट इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कंडेंस मिल्क मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये कंडेंस मिल्क मैंने घर पे बनाया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो इसमें अलग से आपको स्वीटनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जिस तरीके से आप डो लगाते हैं ना, उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल डो की फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसकी अलग अलग टाइप से शेप्स बना सकते हैं। जैसे मर्जी चाहे आप इसको शेप दे सकते हैं। तो इसको शेप देने के मैंने यहाँ पे आइस ट्रे का यूज़ किया है। आइस ट्रे में डो को आप इस तरीके से फिल कर लीजिए, उससे क्या है ना, ये बहुत ईजिली अपने आप शेप ले लेगा और ईजिली डिमोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से उंगली से आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से शेप ले ले। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे फिल कर लिए हैं। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको हल्का सा बस इसे हिलाना है और प्रेस करना है और ये इजीली गिर जाएगा। तो पूरे प्लेट में मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम चॉकलेट लेके लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट चॉकलेट, आप चाहो तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इजीली मिल जाता है। तो वाइट चॉकलेट को क्या करना है, आपको रफली रफली करके चॉप कर लेना है। तो ये काफ़ी ईजिली चॉप हो जाता है, बस थोड़ा टाइट हाथों से इसे चॉप कीजिएगा ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे रफली कट कर लिया है। अब आपको इसे एक ऐसे बर्तन में ले लेना है जिसे डबल बॉइलिंग मेथड के हिसाब से अच्छे से बॉयल हो जाए, यानी कि मेल्ट हो जाए चॉकलेट। तो चॉकलेट मैंने कटोरे में ले ली है, इसमें डालेंगे बटर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच बटर ऐड किया है। बटर की हेल्प से बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बर्तन में गर्म पानी ले लेना है और एक ऐसा बर्तन लेना है जो इस पर ईजिली फिट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसी तरीके से इसको मेल्ट कर रही हूँ। बड़ा बर्तन लिया था ताकि जो नीचे वाला बर्तन है उसके ऊपर से ईजिली रख के चॉकलेट को मेल्ट किया जा सके। तो ये देखिए, गर्म पानी की हेल्प से चॉकलेट बहुत ईजिली मेल्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो चॉकलेट और बटर यहाँ पे अलग अलग है, अभी अच्छे से इसे मिक्स करोगे तो आप ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, चॉकलेट और बटर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो या फिर घर की मलाई का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट उसको मिक्सी में अच्छे से चला लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें एक अलग सी शाइन आ जाए। ये देखिए, काफ़ी अच्छी शाइन आ गई है। तो यही शाइन जो होती है चॉकलेट में बहुत अच्छी लगती है, और जब हम इसे चॉकलेट को डिप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगी। तो यहाँ पे फ्रोजन हो चुकी हैं हमारी कैंडीज़। तो ये देखिए, बार हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अभी चॉकलेट में इसको डिप करना है। तो ये लीजिए, तो दोनों चीज़ें रेडी हैं। वाइट चॉकलेट से मैंने एक हल्का सा गनाश तैयार किया है जो कि हल्का सा पिंक कलर में है। वाइट चॉकलेट में रेड कलर ऐड कर दिया जिससे ये गनाश तैयार हुआ है। इसे आप लास्ट में गार्निशिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, चॉकलेट बार को इस तरीके से लेना है, चॉकलेट में अच्छे से डिप कर लेना है। ये देखिए, कितना इजीली डिप हो जाता है और चॉकलेट इसे अच्छे से कवर भी कर लेती है। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एक दूसरी स्पून की हेल्प से इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, ये देख सकते हैं आप।
अभी हमको क्या करना है, वापस से कोकोनट कैंडी लेनी है, इसके अंदर अच्छे से डिप कर देना है, चॉकलेट में अच्छे से डिप कर दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छी जो है आपकी चॉकलेट कैंडी या चॉकलेट बार या चॉकलेट ब्राउनी बनकर के तैयार हो जाए। कि देखिए वापस से मैं इसे एक दूसरी स्पून की हेल्प से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको सारी की सारी तैयार करनी है। तो चलिए हम इन सभी को इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी की सारी तैयार करके एकदम रेडी कर ली है। अभी इसे थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं पिंक चॉकलेट के साथ में, जो मैंने अभी बना करके रेडी की थी। आप इसे किसी भी कलर का बना सकते हैं या वाइट भी रख सकते हैं, उससे भी इसका जो टेस्ट है वो सेम रहेगा। बस हल्का सा कलर ऐड कर दिया तो लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा आए। तो इसे और ज़्यादा गार्निशिंग करने के लिए आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पिस्ता का यूज़ किया है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। तो अभी आपको क्या करना है, इसे आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपको फ्रीजर में रख देना है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, चॉकलेट बहे ना, मेल्ट ना हो, और बहुत ईजिली आप जब इसे कट करके खाओ तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये लीजिए सेट हो चुकी है, प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितने ईजिली चॉकलेट आपकी सेट हो चुकी है और ये बहुत ईजिली कट भी जाएगी। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये बहुत टेस्टी है। तो मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्टली कट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप कट कीजिए और ये देखिए एक एक चीज़ आप इसमें आराम से पहचान सकते हो। ऊपर चॉकलेट की लेयर है, अंदर इसमें कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग है, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपके घर के बच्चों को या फिर गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।